वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोलकाता एयरपोर्ट पर दिखा चक्रवाती तूफान अम्फान का कहर, चारों तरफ भर गया है पानी। एयर इंडिया का हैंगर पानी में डूबा, पानी में खड़े दिखे जहाज। तूफान की वजह से बंद कर दिया गया था एयरपोर्ट, तेज हवाओं से नुकसान। हावड़ा शहर तूफान के बाद पानी पानी, जेसीबी की मदद से काटे जा रहे सड़क पर गिरे पेड़। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में तूफान से बर्बादी, एनडीआरएफ की टीम साफ कर रही सड़क। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मचाई तबाही, बंगाल में 12 लोगों की मौत। कोलकाता में तूफान की वजह से कई जगह पेड़ उखड़े, जनजीवन अस्त व्यस्त। हावड़ा में भी तेज हवाओं का कहर, एक स्कूल की इमारत की छत गिरी। तूफान गुजरने के बाद सामने आ रहे हैं तबाही के मंजर, हावड़ा में मरने वालों की संख्या 2 पहुंची। अम्फान से निपटने के लिए मुस्तैद रही एनडीआरएफ की टीम, पश्चिम बंगाल में 19 और ओडिशा में 20 टीमों की तैनाती। पश्चिम बंगाल के दीघा तट और सुंदरबन इलाके से टकराया तूफान, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सुपर साइक्लोन अम्फान ने ओडिशा में ली 2 लोगों की जान, दीवार गिरने से 2 महीने के मासूम की मौत। ओडिशा के जगत सिंहपुर और भद्रक जिलों में तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही, एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। साउथ 24 परगना जिले में भी भारी बारिश, जनजीवन पर पड़ा असर। बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहे तूफान की धीमी पड़ी रफ्तार, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है तूफान। देश में हवाई सेवा को हरी झंडी, 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, शुरुआती हफ्ते में होगी सीमित उड़ानें। घरेलू उड़ानें शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस, यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जिनकी फ्लाइट 4 घंटे बाद उन्हें ही टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री। विमान यात्रियों के लिए मास्क जरूरी, स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री, मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी, यात्रियों का सामान भी होगा सैनिटाइज। एयरपोर्ट पर फूड और रिटेल आउटलेट खुले रहेंगे, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। एक जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 1,12,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 3400 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 45,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, अब तक 39,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। तमिलनाडु में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस, 87 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 12,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 390 से ज्यादा केस। श्रीराम जन्मभूमि परिसर में मिले पुरातात्विक महत्व के स्तंभ और मूर्तियां, मलबा हटाने और समतल करने का चल रहा था काम। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा, 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी मिला। तिरुपति मंदिर में लॉकडाउन के दौरान भक्तों ने 1,97,00,000 का ऑनलाइन डोनेशन दिया, मंदिर के चेयरमैन ने कहा, पिछले साल के मुकाबले 18,00,000 ज्यादा चढ़ावा। यूपी में 31,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को योगी सरकार ने दिया 218,00,000 का फंड, मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रांसफर किए फंड। लखनऊ में कोरोना से दूसरी मौत, कोरोना की चपेट में आए सब्जी बेचने वाले की मौत। बस विवाद में प्रियंका गांधी का यूपी कांग्रेस के नाम संदेश, कहा योगी सरकार ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा, मदद करने वालों को जेल भेज रही सरकार। पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रियंका ने लिखा, आज दोपहर 1 बजे यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के जरिए उठाएंगे श्रमिकों की आवाज, यही राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि। बस विवाद में प्रदर्शन करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को ले जाया गया लखनऊ गेस्ट हाउस, अस्थायी जेल में तब्दील।
कल दिन भर की सियासी गहमा गहमी के बाद शाम में लौटी कांग्रेस की बस, करीब 24 घंटे यूपी बॉर्डर पर खाली खड़ी रही थी बसें। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR, पीएम केयर फंड पर गलत आरोप लगाने की शिकायत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने लिखा, एक देशभक्त पिता का पुत्र होने पर मुझे गर्व, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को प्रगति पथ पर अग्रसर किया। CBSE की बाकी बची बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों को नहीं जाना होगा किसी सेंटर, छात्रों के स्कूल में ही होंगी परीक्षाएं। नेपाल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, विदेश नीति को बताया विफल, नेपाल ने विवादित नक्शे में भारत के क्षेत्रों को अपना बताया था। कश्मीर में कुपवाड़ा में एनकाउंटर के दौरान पकड़े गए लश्कर के 3 आतंकी। मंजूर मिलने के बाद दिल्ली में खुले पार्क, कई दिनों बाद पार्क पहुंचे लोगों ने जताई खुशी, 65 पार बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं। दिल्ली के मशहूर लोदी गार्डन के खुलते ही पहुंचे लोग, मास्क के साथ मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज। दिल्ली के ओखला मंडी में भी स्क्रीनिंग के बाद लोगों की एंट्री, टोकन के साथ ही जाने की इजाजत। दिल्ली के जेलों में कोरोना का खतरा बढ़ा, मंडोली जेल में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट हुए कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में उच्च शिक्षण संस्थाओं को टीचिंग स्टाफ के लिए खोलने की इजाजत, शिक्षकों को यूनिवर्सिटी तक आने के लिए नहीं चाहिए होगा पास। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 49,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 3,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामलों की पहचान, 24 घंटे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 93,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, करीब 15,70,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क में कोरोना की चपेट में 3.5 लाख से ज्यादा लोग, अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। रूस में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 3 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, हर रोज हो रही है 10,000 नए मरीजों की पहचान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।